मैं लोकमत से प्रतीक्षा कुकरेती बोल रही हूँ। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी हमारे बीच में नहीं रही, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वेरी सैडनिंग, डिसहार्टनिंग, और मतलब इतना बुरा हमें लगा जब मुझे पता चला आधी रात को जी ये हुआ है इंसिडेंट। एंड मेरा तो बचपन गुजरा उनके सामने जी जी, एंड पहली फिल्म थी मेरी एज एन चाइल्ड एक्टर जी, और उसमें श्रीदेवी हीरोइन थी, उन्होंने हमें इतना प्यार दिया था उस वक्त। एंड कहते ना जो पहला होता है वो कभी इंसान भूल नहीं पाता। बिल्कुल सर। तो मेरी बॉलीवुड में एंट्री थी मिस्टर इंडिया एंड श्रीदेवी उस टाइम हिंदुस्तान की सबने बहुत बड़ी हीरोइन थी जी, एंड उन्होंने इतना प्यार दिया हम लोग को। और मुझे याद है कि मैंने उन्हें तो दो दिन डांस कर भी सिखाए थे हवा हवाई के लिए जी डांस, तो वो मेमोरी मेरे पास हमेशा रही है। और आज जब मैं सुनता हूँ कि वो दुनिया में नहीं है जी, तो बहुत ही शॉकिंग है। एंड मुझे बोनी अंकल पे भी बहुत बुरा लग रहा है कि उनकी लाइफ में सेकेंड टाइम हुआ है ये। बिल्कुल, पहले मोना आंटी थे फिर अभिषेक जी। तो ग्रेसियस लेडी इतनी हेल्दी, सबके मतलब सब देख के मेरी वाइफ कहती थी इतनी फिट है उम्र में भी, वो जी फेस इतना चार्मिंग, परफेक्ट बॉडी, हेल्दी लगती थी। सडनली हुआ ये, इट इज वेरी शॉकिंग। पहले तो यकीन नहीं हुआ था, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। जी जी जी, बट इट्स वेरी शॉकिंग, वेरी डिस्टर्बिंग। आपने उनके साथ काम किया है, आप उनके करीबी करीब रहे उनके, कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा उनकी याद रहेगी उनके बारे में आप हमसे को हमें कुछ बताना चाहें? मुझे इतना याद है मिस्टर इंडिया के वक्त ना जी, वो बहुत चुप चुप रहा करती थी, जो उनकी क्वालिटी थी हमेशा उनका नेचर था जी। बट आस्ते आस्ते वो इतना घुल मिल गई हमसे कि वो डेली हमारे लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लाया करती थी। जी एंड श्रीदेवी लाना वो बहुत बड़ी बात थी, वो सब कहते थे अरे यार श्रीदेवी आप ये कर रही हो लाती हो, तो वो ये कहती थी कि ये बच्चे ना मुझे जब आती ना लगता मैं अपनी फैमिली में आ रही हूँ। तो एट दैट पॉइंट वाज सो डिस्टिंक्ट कि हमें पता था वो हमसे पहले बात ही नहीं करती थी कितने दिनों तक। जब वो फ्रेंड बनी तो जोक्स मारना, कहानियां सुनाना, इतना वक्त हमारे साथ बिताती थी वो। एंड वो कभी कभार मुझे याद है शॉर्ट्स के बीच में ना वो गंदे गंदे मुंह बना के हमको हटा भी देती, तो वो अंदर से बहुत कॉमेडी थी जी, जो हमने देखा था चाइल्ड जी। तो ये मैं उनकी जो हरकत है ना कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद में असिस्टेंट कोरियोग्राफर बना जी, और मैंने उनके साथ गाने भी किए, तो उस वक्त बड़ी सीरियस लगती रहती थी। तो मुझे लगता था कि उस टाइम जब हमारे साथ ये बिहेव करती थी वो जेन्युइनली हमसे मोहब्बत करती जी जी। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स व्हिच आई कांट फॉरगेट, और वो जब मैंने उनको डांस सिखाया था वो दैट आई कांट फॉरगेट जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।